हाय दिस इज नवाब एंड वेलकम टू पैराडाइज ऑफ पेट्स। तो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएं कि धीमी धीमी सी बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो रहा है, जो कि हम लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, सुहाना मौसम है, लेकिन हमारे बर्ड्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आज सबसे पहले हम लोग करेंगे कि हमारे इस शेड को ऊपर करेंगे ताकि हमारे बर्ड्स सेफ रहें। और रही बात इन हैंस की, तो इन लोगों को भी हम लोग जो है कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इनके गर्मी का इंतज़ाम करते हैं। ये लोग तो पानी के ही जानवर हैं और ये मुर्गी, इनको भी कुछ इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब जो है सबसे पहले मैं अपना बचा कुचा काम कर लेता हूँ। आपको तो पता ही है कि मैंने देखो अभी साफ़ किया था और देखो बारिश में फिर इसके हाल क्या हो चुके हैं। ये एल्गी ना बड़ी ज़्यादा परेशान करती है यार हम लोगों को। और आज जो है एक कुछ सरप्राइज़ भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाने वाला हूँ। भाई यहाँ तो काफ़ी ख़तरनाक तूफान जैसा लग रहा है। देखो आप पानी की तो आई है, ये तो अच्छा है कि हमारे पास ये कवर पूरा हुआ हुआ है, तो हमारे बर्ड्स और एनिमल सेफ है। बेटा तुम लोग अंदर चले आओ, बहुत हवा चल रही है। अभी फ़िलहाल तो हम लोगों को इस लॉफ्ट को क्लीन करना है, क्योंकि आप लोगों को बता अभी फिर सरप्राइज़ है। अरे यार सरप्राइज़ क्या, आप तो अपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है मेल केटा जाने वाला है, जिसकी हमें प्रिपरेशन करनी है। हम लोग नीचे इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अभी हमारे पास किटन्स मौजूद हैं, और पिछली बार की तरह जैसे हमारे चार्ली ने हमारे किटन्स को मार दिया था, वैसा ये ना मार दे। और अभी तुम्हारा भाई फेस दिखाने लायक नहीं है, इसलिए जो है ब्लॉग ऐसे ही कर रहा है। तो आप लोग मेरे फेस को देखने के लिए अगला व्लॉग फॉलो करिए। सॉरी मजाक कर रहा था ना। तो भाई चलिए अब जो है सबसे पहले काम तो ये करते हैं कि हम लोग इसे कर खींचते हैं नीचे, जिससे हमारा ये ऊपर आ जाएगा। आ जा ये देखिए ऐसा। तो मेरे को पहले जो है ना दोनों हाथों से खींचना पड़ेगा वरना ये टूट जाएगा। ओके तो मैं इसको पहले ऊपर खींच देता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। हमें जितने की ज़रूरत थी हमने उतना जो है इसको उठा दिया है। तो अब चलते हैं हमारे अगले काम की तरफ और हमारी जो है साफ़ सफाई का काम को कंप्लीट करते हैं। भाई तुम लोग तो अंदर हो जाओ और तुम लोग भी अंदर हो जाओ, क्योंकि जो है ना बहुत भयंकर वाली हवाएं चल रही है जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। और मेरे कबूतर तो अभी माशाल्लाह देखिए सब बढ़िया हेल्दी एक्टिव हो चुके हैं और सब घूम रहे फिर रहे हैं देखिए माशाल्लाह से। सो फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद हमारा ये लॉफ्ट क्लीन हो चुका है और ये भी क्लीन हो गया है यहाँ से यहाँ तक के। आई नो आप लोगों को अभी क्लीन होने के बाद भी गंदा लग रहा होगा, लेकिन ये बारिश का है। बारिश के अंदर जो एल्गी जम जाती है ये उसके निशान है। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और देखो इतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल निकला है, यहाँ से भी मैंने साफ़ किया और तुम बहुत गंदा करती हो, तुम बहुत गंदा करती हो। क्या लगा, अरे फिर मेरे पीछे आ गई, चल अरे फिर मेरे पीछे आ गई, रुक जाते पकड़ ही लेता हूँ फिर अरे मेरी मजा लेती है। तो अभी जो है फाइनली हमारे सब लोगों को हम लोगों ने दाना पानी तो दे दिया था सुबह ही, और हमारी साफ़ सफाई भी हो गई है। ये लॉफ्ट को हमने यहाँ पर ला कर रख लिया ताकि बारिश के पानी से ये अच्छे तरीके से धुल जाए, उसके बाद उसी की तरह जब ये साफ़ हो जाएगा फिर इसके ऊपर हम कलर करेंगे और इसको हम लोग यूज़ में ले लेंगे। और हमारी हैन को हम लोगों ने अभी बंद कर दिया था और हमारा ये भी जो है तैयार हो चुका है। बस इसके अंदर जो है अब जाली वगैरह कसनी है, फिर हमारा ये भी एक लॉफ्ट तैयार हो जाएगा। तो अभी जो है मैं आपको बाकी के अपडेट देता हूँ। अभी शाम को लगभग 9 बजे समथिंग आने वाला है हमारा मेल केट, तो चलिए हम लोग उसका इंतज़ार करते हैं। जब तक के 9 बजते नहीं है, जब तक के हमें समझ नहीं आएगा कि हमारा बर्ड जो है हमारा जो केट है वो सेफली रीच हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी दिल एकदम धक 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 हो रहा है क्योंकि 10 घंटे का रास्ता है। आप सभी को पता था कि हमारे पास मेल नहीं था और हमारी फ़ीमेलें इतनी ज़्यादा हीट पर आ चुकी है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि यार भाई हीट पर तुम लोग ओवर ब्रीडिंग कराते हो। नहीं भाई, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, अभी हमारे पास मेल नहीं था, उसके बाद वो इतना चिल्ला रही है। अभी देखो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि इतना ज़्यादा चिल्लाती है ना कि क्या बताऊं आपको मैं। एंजल आपके हबीजी आने वाले, न्यू वाले हबीजी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो ये फीमेल है ना दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा हीट पर है। एक देखिए वो बैठी हुई है, तो ये दोनों की दोनों ना काफ़ी ज़्यादा हीट पर है और इतना चिल्ला रही, इतना शोर मचा रही थी कि मैं क्या बताऊं आपको। इसी वजह से जो है हमें दूसरा मेल बुलाना पड़ा। ए एंजल इधर तो देखो, क्या हो गया बेटा, टाइगर, इसका हमने टाइगर नाम रखा है, ये हमारी छुटकी, वो है हमारा पांडा। बस हमारे पास अभी तीन ही चीज़ बची हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है हमारी, है इसकी अभी हमने लिपस्टिक वगैरह सब लगाई थी और ये काफ़ी ज़्यादा। क्या हो गया बेटा, तू यहाँ क्यों बैठ गया, देखो ये मुझसे बहुत प्यार करता है। कहाँ होगा बेटा, मेरा बच्चे को कहाँ होगा, क्या होगा, देखो फिर मेरे पास आ जाए, ऐसे ही करता है। और हमारी जो ये ना ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी लौट रही थी कि क्या बताऊँ मैं आपको, और बहुत ज़्यादा शोर भी मचा रही थी। तो अभी जो है कुछ टाइम और बाकी है, फिर जो है तुम्हारा मेल आने वाला है, उसके बाद जो है तुम अकेली नहीं रहोगी, ठीक है। ओ भाई किसकी आवाज़ आई, टाइगर किसकी आवाज़ आई, टाइगर, ए टाइगर
तो अभी जो है 8 बजे आने, सॉरी 9 बजे आने वाला था, अभी बज रही है रात के 8। तो अभी आधा पौन घंटे बाद हम लोग जाएंगे और वहाँ से फिर हमारा न्यू मेल किट लेकर आएंगे। तो अभी जो है हम लोग हमारे मेल को ऊपर ही शिफ्ट करेंगे और हमारी कैट्स को यहाँ रहने देंगे, क्योंकि पिछली बार आपको पता है ना कि पिछली दफ़ा हमारे जो चार्ली ने हमारे किटन्स को मार दिए थे, तो हम लोग इस दफ़ा हमारे किटन्स को बिल्कुल भी मरने नहीं देंगे, है ना छुटकी? हाँ बेटा, क्या हो गया छुटकी? ये देखिए क्या हो गया बेटा, खाना है मुझे, खाना, हाँ खा ले, खा ले मुझे, खा ले पूरा, खा जा, खा जा, खा जा, हाँ खा जा, खा जा पूरा, खा जा, हाँ तुझे भी खाना, हाँ तू भी खा ले। अरे नहीं ना, ऐसा नहीं करते मेरी बेटी। अरे ऐसा कैसे खा रही हो? अरे अरे छी छी, गंदी बात, गंदी बात, नो दिस इज़ वेरी बैड मैनर्स बेबी। तू अलग, तेरी पुन्नू मेरे को दिखाया करती है। ए टाइगर, ये हमारा टाइगर है, हमारे साथ खेलता है टाइगर। ए टाइगर काफ़ी ज़्यादा क्यूट है ये सारे के सारे। तो भाई देखो, अब जो है ना मुझे वहाँ पर जाना है, इसलिए तुम लोग ना बहुत डिसिप्लिन में रहना, ठीक है? ये ना बहुत गंदी वाड़ी करती है यार, इधर उधर पोटी कर देती, रेत ला के रखी हमने इतनी खुशबूदार रेत, बस में नहीं करती। और देखो अब मैं देखना अभी आप कितनी हीट पे, ये देखो, ये देखो, ये देखो यार, ये देखो ये हीट, ये इसकी जो है ना पहचान रहती है। ऐसा करें ना अपन, ये देखो ये हो गई रेडी, और ये देखो ये लोटे लगाने लग गई, ये इनकी जो है पहचान रहती है। ये देखो ये भी, ये देखना, ये देखिए, ये देखिए, ये भी सब हीट पे। तो भाई बस रुको, देखो अभी तक कितना बड़ा हो गया, फिर भी दुद्धू पीता है, किरे बदतमीज। और ये हमारा सुस्त सा पांडा, ये पूरा पांडा ही है सच में, आराम करा करता है ये, इसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। ये देखो ऐसी लोट लगाती है। फाइनली हमारा मेल किट आ चुका है, तो अब हम लोग जाएंगे और जाकर जो है उसको पिक करते हैं। हमारे साथ जाने वाला है कासिम, तो थोड़ा खाना खा रहा है, जब तक के हम लोग वेट करते हैं बाहर, हमारी गाड़ी वाली रेडी करते हैं, फिर चलते हैं बस स्टैंड और लेकर आते हैं हमारे नए वाले मेल किट को। हम लोग वक्त से पहले हमारे जो है बस स्टैंड पहुँच गए, बट यहाँ पर अभी तक की हमारी बस आई नहीं है, तो जब तक के वो आ रही है, जब तक के हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आपको अपडेट देंगे। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो हम लोगों ने मुनासिब नहीं समझा कि वीडियो बनाएं और बाइक भी ड्राइव करें, क्योंकि हमारे इंडियन रूल्स के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम लोग जो है बस आने तक का वेट करते हैं, उसके बाद फिर हमारे किट को लेंगे और फिर हम चलेंगे हमारे घर। तो फाइनली काफ़ी इंतजार के बाद हमारी जो है ये बस आ चुकी है न्यू स्टार की, इसी के अंदर हमारा जो है न्यू जो मेल किटन है वो है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पीछे रखा हुआ है, वो दिख भी रहा है। अभी हम जाएंगे, इसको पहले पार्क करने देते हैं, उसके बाद जाएंगे और फिर इसको जो है रिसीव करेंगे। फाइनली हमारे पास जो है रिसीव हो चुकी है हमारी ये किट, और ये अभी जो है अभी तो माशाल्लाह अच्छा, पकड़ो कासिम पकड़ना, अच्छे से इसको लेकर आए हैं, और यहाँ पर जो है ये बस के अंदर से हम रिसीव करने लाए थे, और अब इसको लेकर चलेंगे हम हमारे घर, फिर उसको रिलीज करेंगे और देखेंगे कि क्वालिटी कैसी है। फाइनली हम जो है इसे लेकर पहुँच गए, बहुत अच्छा दिख रहा है भाई, इसका फेस वगैरह भी ठीक लग रहा है। हमारा कासिम सालिम भी यहाँ पर देखने के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले हमको ये सबको खोलना पड़ेगा। उन्होंने काफ़ी अच्छी पैकिंग करके दी है, और हमने ये परचेज़ किया है तारिक भाई भोपाल वालों से, जिसका हम लोग अक्सर हमारी स्टोरी में मेंशन करा करते हैं। ताज पर्शियन किट, अगर आप लोगों को भी किट चाहिए तो बहुत ही रीजनेबल रेट के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। इंस्टाग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं तारिक भाई का ताज पर्शियन किट का, ठीक है? मैं आपको लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कॉन्टैक्ट भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको बिना टाइम वेस्ट कर खोलते हैं, क्योंकि 10 घंटे का सफ़र करके तय करके आया है, इसलिए जो कुबड़ा निकाल लिया इनसे लड़ने के लिए। ए भाई, ए लड़ने झगड़ने नहीं हमारा, देखो ये कितना ज़्यादा डर रहा है हमारा, लेकिन है कितनी प्यारी क्वालिटी माशाल्लाह, देखिए आप इसके साथ डर रहा है ये। तो बिस्मिल्लाह करके अब जो है हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह देखिए। और उन्होंने जो ना रखने वालों ने रखा अच्छा नहीं है, बाकी है बड़ा माशाल्लाह, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। लड़ना झगड़ना नहीं भाई, देखो कैसे टाइट हो गए। अबे तुम क्यों लड़ रही हो? अरे तुम आपसी में क्यों लड़ रही हो? इन दोनों ने आपसी में लड़ लिया कि वो सज्जन मेरा है, वो सज्जन मेरा है, और ये सज्जन तो अभी बेचारा अलग ही है, और इन दोनों आपसी में लड़ लिया, मुझे उसको छुड़वाना पड़ा। ये देखो कैसी पगला गई एकदम, बिल्कुल ही है पागल हो गई है तुम, है एंजल, बहुत मारूंगा तुझे मैं। ये हमारा मेल तो काफी ज्यादा प्यारा है माशाल्लाह, अच्छा है यार मेल, काफी प्यारा मेल है। और हमारी जो है एंजल यहाँ पर, सॉरी हीर जो है यहाँ पर है। अब लोग जो है हम इसको आज जो है यहीं पर रखेंगे, ताकि ये लोग जो है इसके आदि हो जाए।
लड़ने का नहीं, लड़ने का नहीं, लड़ने का नहीं, लड़ना नहीं भाई, लड़ना नहीं। क्यों चिल्ला रही है, क्यों चिल्ला रही है इसके ऊपर? तू ही तो मुझे ऐसी परेशान कर रही थी ना, दो दिन से परेशान कर रही, चिल्ला चिल्ला कि मेल लाओ मेल लाओ। अब आ गया तो देखो, हमने अभी इन भाई को तो अलग ही रख के रखा है। देखो बच्चे वहां से जाग जाग के देख रहे हैं कि कौन आ गया। ले भाई लो, क्या नाम है यार इसका? तो नाम भी पूछा नहीं मैंने। आ जा बेटा, ये अभी तो यार इसके अंदर ही देनी पड़ेगी इसको डाइट, क्योंकि बेचारा हो सकता है कि सुबह से भूखा, इसलिए मैं इसको डाइट रख देता हूँ। ले भाई आ जाओ। न्याओ का केट फूड खाते हो आप? कौन सा खाते हो? ये बाबू की ले। अच्छा ये खा, ये ले खा, शाबाश खा। ये तो प्रिंस से भी मोटा लग रहा है शायद से, प्रिंस जैसे ही। अरे माशाल्लाह खा लिया, शाबाश खाओ, आराम से खाओ बेटा, तुम एकदम चिल करो बिल्कुल, ठीक है? पता नहीं क्यों यार हमारी एंजल जो और हमारी हीर की बिल्कुल भी नहीं बन रही है। हमने जो नया वाला जो कैट लाया उसको वहाँ बंद कर दिया, और ये इसको जब भी देख रही है ना तो बहुत घबरा रही है, बहुत गुस्सा कर रही है। और हमारे किटीज़ यहाँ पर बंद है, तो ये जो है अभी हम लोगों ने इन्हें भी डाइट दी है, इसे भी डाइट दी है, और हमारी एंजल देखो अभी भी गुस्से से देख रही है। देखो वो वहाँ पर है और वो मेल को हम लोगों ने वहाँ पर बंद किया है। तो पता नहीं इन लोगों में अचानक से क्या लड़ाई हो गई, मर्द देख के आपस में लड़ने लग गए कि वो मेरा है वो मेरा है। ऐसा लग रहा है कि लड़कों लड़की वाली चीज़ इनमें भी आ गई है। तो चलो खैर क्या है, आज तो इनको जैसे जैसे रात गुजारते हैं सुबह देखते हैं कि इनका क्या मसला बन रहा है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे मिनी ज़ू से रिलेटेड अपडेट्स पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे कैट्स और हमारे पेट्स कैसे लगते हैं कमेंट में बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।